ब्रेक पाइप ये देख ना पीले कलर का, जब ये ब्रेक पाइप पहुंचता है गाड़ी के दरमियान में तो नीचे उसके साथ इसकी बॉडी के साथ के बाद स्लैब एडजस्ट कर, अब नीचे गाड़ी का एयर ब्रेक से आ जाएगा उस गैप को, ये स्लैब एडजस्ट कर जब ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं ना एयर ब्रेक से नजर उधर से नजर आएगा और जो लाल निकला वो चला गया ब्रेक से लग गया। अब ये सप्लाई रेजर वायर और ब्रेक सिलेंडर आपस में जुड़े। कहाँ से स्टार्ट होती है, इससे पहले कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ये गाड़ी का बिल्कुल एंड ही है, ठीक है ना। यहाँ से पार्ट शुरू होते हैं और पार्ट्स हमेशा सेम होंगे, इधर से स्टार्ट कर ले या उधर, कभी इंजन इधर लग जाता है कभी इंजन उधर लग जाता है, तो पार्ट्स हमेशा सेम है। सबसे पहला पार्ट ये इसका कहते हैं कपलर। किस चीज का कपलर है, एयर होस पाइप। कपलर मतलब कपल करने के काम आता है, ठीक है ना। इधर भी जो गाड़ी खड़ी होगी उसका भी एयर होस पाइप होगा और ये दोनों एयर होस पाइप इस कपलर की मदद से कनेक्ट होगा। तो पहला पार्ट कहलाता है एयर होस पाइप कपलर, एयर होस पाइप। ये एयर होस पाइप इसका नाम उन्होंने होस पाइप रखा है। फिर जब ये दोनों मेटल आपस में अटैच होंगे तो इसमें अगर रबर की वाशर नहीं होगी तो प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, इसकी एयर रबर वाशर, ठीक है ना। आपको पता है प्रेशर 71 पीए से बड़ा ज्यादा रबर वाशर। तीसरा ये एयर होस पाइप, एयर होस पाइप, एयर होस पाइप, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके पीछे ये वाल लगा है, इसको कहते हैं आइसोलेटिंग कॉक, आइसोलेटिंग कॉक। ये इसका हैंडल है आइसोलेटिंग कॉक का, जब इसका हैंडल होता है हॉरिजॉन्टल जमीन के पैर में तो ये ओपन है, यहाँ से जो प्रेशर चल रहा है इंजन से आ रहा है प्रेशर, वो इसमें से पाइप में आया आइसोलेटिंग कॉक में से गुजरा और पीछे चला, ओपन है। और जब इसका हैंडल कर देते हैं वर्टिकल, ये क्लोज हो गया, ये जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पे आके रुक गया, अब प्रेशर पीछे नहीं जा सकता। ये इसके ऊपर एक सुराख है, ये क्या सुराख, इसे कहते हैं वेंट होल, वेंटिलेशन होती है ना, तो ये क्या वेंट होल सुराख है, ठीक है ना। ये सुराख है, उसके ऊपर ये नट लगाया है, ये इसके अंदर ये सुराख है, ठीक है ना। ये नट है, इसमें सुराख है, ऊपर से आके ये ऐसे प्रेशर नीचे निकल जाएगा। ये जो वेंट होल है इसका कनेक्शन है इसके हैंडल के साथ, लीवर के साथ। जब इसका लीवर हॉरिजॉन्टल है, आइसोलेटिंग का ओपन है और ये वेंट होल बंद है, प्रेशर तभी थ्रू हो रहा है ना, वेंट होल बंद है। जब इसको करते हैं वर्टिकल, आइसोलेटिंग का बंद हो जाता है, वेंट होल खुल जाता है, ठीक है ना। ये इसके साथ कनेक्शन है इसका, ये स्टील का है, इसे कहते हैं ब्रेक पाइप। स्टील का है, इसका जो इंटरनल लीड आया ना वो कितना 25 mm स्टील का बना हुआ है। अब आप देखिए ये आइसोलेटिंग कॉक के एक एंड पे, एक मुंह पे लगा हुआ है रबर पाइप, इसके दूसरे मुंह पे लगा हुआ है स्टील पाइप, ऐसे ही है ना, ठीक हो गया। अब आइसोलेटिंग कॉक को पहले लगाने का मकसद समझ के लगाया, अब हमने अपनी गाड़ियां शंट कर दी, काट के कभी आगे करनी है कभी पीछे करनी है, इंजन जोड़ना है इंजन तोड़ना है, ना दोस्त का काम है। अब इसके अंदर 71 PSI प्रेशर, अगर कोई इसको हाथ लगाएगा थोड़ा सा हिलाएगा उसको प्रेशर को जगह मिलेगी तो प्रेशर बड़ी स्पीड से निकलेगा और ये उसके काबू में नहीं आएगा, ये काबू में नहीं आएगा। ये फिर ये देखो ये फिर लगता है ना जो बड़ा ये गोडे ये गिट्टे तोड़ देता है। अब हमने अपने स्टाफ को जख्मी होने से बचाया तो हम क्या करेंगे, ये आइसोलेटिंग का ये भी बंद कर देंगे और जो इधर गाड़ी है दोनों आइसोलेटिंग काक जब बंद कर देंगे तो प्रेशर का आना बंद हो जाएगा, प्रेशर का रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो प्रेशर आ चुका था वो तो अभी अंदर मौजूद है, अभी खतरा टला नहीं है। तो जैसे ही हम इसको बंद करेंगे ये वेंट होल खुल जाएगा, ये बताया ना हैंडल के साथ ही, जैसे ही हमने बंद किया वेंट होल खुल गया, जब सुराख खुल गया नहीं ऑटोमेटिक है। इसका लीवर इसके साथ कनेक्ट, ब्रेक पाइप ये देख ना पीले कलर का, जब ये ब्रेक पाइप पहुंचता है गाड़ी के दरमियान में तो नीचे उसके साथ इसकी बॉडी के साथ गाड़ी की बॉडी के साथ ये वाल लगा, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल, ये पूरा
ये ऊपर नट बोल्ट की मदद से लगाता है। सही। इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, हाँ, उसका काम क्या होता है? तकसीम करना, हाँ, इलाके में। सही। इसी तरह होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, इसका काम क्या है? प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना और गाड़ी की ब्रेक एप्लीकेशन करवाना। अब आप देखें, ये ब्रेक पाइप एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकल के पीछे चला गया, पिछली कोचों के लिए, या पीछे से आया, इधर से दाखिल हुआ, इधर से निकल के आगे चला गया। पार्ट सेम है ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के अंदर का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो बाहर हिस्से नजर आ रहे हैं वो तीन है। इधर आओ, इस साइड। पहला ये जी। ये क्या कहलाता है? शट ऑफ डिवाइस। शट ऑफ डिवाइस, इसका ये हैंडल है। जब इसका हैंडल हॉरिजॉन्टल है तो ये बंद है, ये आइसोलेटिंग कार के हैंडल के उलट है। सही। ये हॉरिजॉन्टल में बंद है और वर्टिकल में खुली है। दूसरा ये कहलाता है जी पी चेंज ओवर वाल्व। जी पी चेंज ओवर वाल्व, ये देखिए, ये नीचे जी लिखा है, ये इधर पी था, इसको पी पे एडजस्ट किया है। और तीसरा ये नीचे रिलीज वाल्व, ये क्या कहलाता है? रिलीज वाल्व, गाड़ियों को मैनुअली रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। तो ब्रेक पाइप के बाद हमारा अगला पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ये तो इसके आगे पार्ट्स है ना, ये नहीं आपने बताने, वो जब इस पे नोट है फिर ये बता। अभी तो आपने सिंपल कहना है कि हमारे भी कुछ नहीं। हाँ, ये ब्रेक पाइप के बाद अगला पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। वो ये जो नीले वाला ये जा रहा है, ये सप्लाई जगह है। ये नीचे देखेंगे, हाँ जी, टंकी है ना, जैसे दुकानों में होती है, इसमें प्रेशर इकट्ठा होता है ब्रेक लगाने के लिए। अब नहीं, इसको रेजर वायर कहते हैं, सप्लाई रेजर वायर, इसमें प्रेशर इकट्ठा होता है ब्रेक लगाने के लिए। और ये जो रेड वन उधर से नजर आएगा, उधर से आ गया, और जो लाल निकला वो चला गया ब्रेक सिलेंडर। अब ये सप्लाई रेजर वायर और ब्रेक सिलेंडर आपस में जुड़े हैं किसके थ्रू? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, दोनों पाइप उसमें से निकल रहे ना, वो इन दोनों का कनेक्शन और डिस्कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रीब्यूट उसी ने करना है, डिस्ट्रीब्यूटर है ना, किसको कितना प्रेशर देना है, कब ब्रेक लगवानी है, कब सप्लाई करनी है, ये सारा उसका काम है। अब ब्रेक, वो कोई भी सिलेंडर होता है तो उसके अंदर पिस्टन होता है, सिलेंडर इसके अंदर पिस्टन, और ये पिस्टन का रॉड, ठीक है ना। अब हमने पिस्टन समझ ला गया, आपने कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के बाद अगला पार्ट सप्लाई रेजर वायर, फिर एयर ब्रेक सिलेंडर। एयर ब्रेक सिलेंडर आप देखें, आप कनेक्टेड है, ये दो लीवर है, एक ऊपर है और एक नीचे, दो लीवर है ना, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लीवर, जमीन के बराबर है, लंबे हॉरिजॉन्टल लीवर। तो ब्रेक सिलेंडर के बाद हॉरिजॉन्टल। अब ये जो दो लीवर हॉरिजॉन्टल है, इसका दूसरा मुंह स्लैक पे है ना, मुंह वो कनेक्टेड है ये इसके साथ, ये कहलाता है स्लैक एडजस्टर। ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला है, ये पूरा गोल देख रहे हैं ना, वो लंबा, ये इसका दूसरा मुंह किसके साथ कनेक्टेड है? स्लैक एडजस्टर के साथ। अब नीचे गाड़ी का एयर ब्रेक सिस्टम का कोई पार्ट नहीं, फिर कोच में आ गया पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व, अलार्म चेंज नहीं होता है वो पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व, और एक होता है गार्ड इमरजेंसी वाल्व, जो गार्ड के कमरे में लगा होता है, उसका दूसरा मुँह स्लैक एडजस्टर के साथ, वो स्लैक एडजस्टर को क्या करेगा? ये समझाने की बात है सिंपली, जब एक बार जहन में रखिए कि 18 से 17 की ऐसा प्रेशर बन गया ना, जब प्रेशर में कमी होती है तो गाड़ी की ब्रेक एप्लीकेशन होती है। 17 की ऐसे ऐसे कम होना शुरू हुआ, 70, 69, 68, 67, 60 कम होता जा रहा है, ब्रेक लग रही, इधर डिस्ट्रीब्यूटर वाल उसी हिसाब से प्रेशर देता जा रहा है, गाड़ी की ब्रेक एप्लीकेशन स्टार्ट हो, ठीक है ना। और जब ड्राइवर फिर गाड़ी खड़ी होगी, आस्ते आस्ते स्टार्ट होगी ना, फिर ब्रेक लगते लगते स्टेशन आया, गाड़ी खड़ी रहती है। अब जब ड्राइवर गाड़ी खड़ी होगी, उसके बाद ड्राइवर क्या करता है? दोबारा प्रेशर बना देता है, जैसे वो प्रेशर बनाना शुरू करता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला आस्ता आस्ता सारा प्रोसीजर वापस, गाड़ी की ब्रेक रिलीज करना शुरू कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कहते हैं एयर ब्रेक सिस्टम का दबाव, ब्रेन इसका दूसरा नाम क्या है? और ये जो रॉड है ना बाहर आगे, इसके साथ रॉड लगा हुआ है ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और गाड़ी की ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही ड्राइवर प्रेशर दोबारा मेंटेन कर लेता है,
पिस्टन वापस आता है, ये इसको वापस लाता है, उधर से वो उसको वापस दबाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के ब्रेक रिलीज कर देता है। ठीक है, स्लैब एडजस्टर का फंक्शन क्या है, आपने कहना है जैसे प्रेशर में डिक्रीज होती है ये क्लॉकवाइज रोटेट होकर गाड़ी की ब्रेक एप्लीकेशन कर देता है, और जब प्रेशर मेंटेन हो उस गैप को ये स्लैब एडजस्टर जब ब्रेक एप्लीकेशन करता है ना उस गैप को भी एडजस्ट करता रहता है। खुलता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, तो जितना वो घिसता है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा मूव करता है और वो फासले को एडजस्ट करता रहता है और आगे जाता जाता है। तो हमारे